नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं ग्राफोलॉजिस्ट और एक रिस्ट वॉच एनालिस्ट हूँ। और हम लोग रिस्ट वॉच से आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे में मैं आज आपको 5 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आप अपने बेडरूम में नहीं इस्तेमाल करोगे रिस्ट वॉच में, तो आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ, इनका बहुत ही निजी और प्राइवेट रिश्ता होता है। ये वो जगह है जहाँ से हर एक रिश्ते की बुनियाद बनती है। ये वो जगह है जहाँ से आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये डिफाइन होता है। कई बार रिलेशनशिप में अगर आप वहाँ पे संबंध अच्छे नहीं करोगे तो आपकी पूरी की पूरी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। और कई बार सिर्फ यही जगह है जहाँ से रिलेशनशिप ऐसे बनते हैं कि लाइफ में वो कभी बिखरते नहीं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो मिस्टेक है अगर जो आप करोगे अपने बेडरूम में, वॉल क्लॉक में, तो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है खराब। नंबर 1, आप अगर इस मोमेंट पे किसी भी तरह का वॉल क्लॉक अपने बेडरूम में नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप बाजार में जाके किसी भी तरह का वॉल क्लॉक ढूंढ रहे हो, तो जो पहली मिस्टेक आप कर सकते हो वह है ब्लैक कलर। जी हाँ दोस्तों, आपने मेरे एक दूसरे रील में भी देखा होगा कि ब्लैक कलर का रिस्ट वॉच, मतलब कहीं पे भी रिस्ट वॉच में अगर ब्लैक कलर आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खराब या डेंजरस हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। नंबर 2, दूसरा है रेड कलर। रेड कलर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव माना जाता है। अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो मंगल रेड कलर का कारक होता है। मंगल मांगलिक, आपने नाम तो सुना ही होगा कि कई सारी कुंडलियां मांगलिक होती है और मंगल कई सारी शादियों को खराब कर देता है। इसी वजह से अगर आपने रेड कलर का वॉल क्लॉक आपने बेडरूम में लगाया तो यहाँ पे वो मांगलिक दोष एक्टिवेट हो जाता है और हो सकता है कि आपके शादी में अननेसेसरी मंगल एक्टिवेट हो जाए और शादी को वो खराब कर दे। तो मंगल को भी आपने अवॉइड करना चाहिए आपके बेडरूम के अंदर और अपनी वॉल क्लॉक के अंदर। इसके अलावा ग्रीन कलर, हरा रंग। अगर हम कुंडली की बात करते तो हरा रंग मर्क्यूरी को होता है और मर्क्यूरी को एक नपुंसक ग्रह माना गया है। इसीलिए मर्क्यूरी जब 7वें घर में आता है तो वहाँ पे वो शादी को खराब करता है। साथ ही साथ मर्क्यूरी जेमिनी राशि, द्वि स्वभाव राशि को दर्शाता है और ग्रीन कलर से आपके जो रिलेशनशिप है मैरिड लाइफ के, वो खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपने बेडरूम में ग्रीन कलर या मर्क्यूरी को भी कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, ब्लू कलर, शनि। जी हाँ, अगर 7वें घर में शनि है तो इस व्यक्ति को कभी भी शादी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। किसी न किसी तरह की कंप्लेंट इसको हमेशा रहती है। 7वें घर का शनि आपकी मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस को खराब कर देता है। इसी वजह से भले ही ये शादी लॉन्ग टर्म टिके, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस खराब होने के कारण तकलीफ होती है। इसलिए ब्लू कलर जो शनि को दर्शाता है, इसको भी आपने अपनी घड़ी में, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके रिलेशनशिप खराब होंगे और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है। स्पाउस से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या स्पाउस से बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम आने की संभावना आपको ब्लू कलर के वॉल क्लॉक में दिखेगी। इसके अलावा है मिस्टेक नंबर 5, सबसे फेवरेट आप सभी का कलर वाइट। ज़्यादातर लोग व्हाइट कलर की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखा जाए तो व्हाइट कलर मून का होता है और मून काल पुरुष की कुंडली में 4थे घर का मालिक होता है और वो दर्शाता है कि कैसे जनसामान्य लोग या जनता का मन, जिसको कहा जाता है, वो मून है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब यही मून 7वें घर में जाता है तो ये शादी के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता है, क्योंकि 7वें घर का मून बहुत ज़्यादा चलायमान होने के कारण मनचला या दिलफेक आदमी बनाता है। ऐसे में एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बना सकता है। आपको तो पता ही होगा कि मून यानी चंद्रमा की 27 बीवियां, जो 27 नक्षत्र है, उसके बावजूद उसने गुरु स्त्री तारा जी के साथ संबंध बनाए। मतलब मून का कभी भी एक जगह पर रहना या एक चीज़ को पसंद करना मुमकिन नहीं है। आपने देखा ही होगा कि यम और यमी की कहानी में भी यमी को चंद्रमा ने किडनैप किया था। तो चंद्रमा के ऐसे कई सारे किस्से हैं जहाँ पे उन्होंने दिल फेंकपना या मंचली जो आदत है वो बहुत की। इसी वजह से जब ये चंद्रमा 7वें घर में जाता है तो ये मैरिज को खराब करने की टेंडेंसी को दर्शाता है। इसी वजह से अगर आपने व्हाइट कलर की घड़ी अपने बेडरूम में लगाई है तो ये भी आपकी मैरिज को खराब कर सकते हैं। तो ये थे 5 मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो अपने बेडरूम में वॉल क्लॉक के साथ, जो कर सकते हैं आपकी शादी को खराब।
अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको मज़ा आया तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी इसी एक्शन के कारण मुझको ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म या सपोर्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।